बोधिधर्मा चीन गए और चीन के सम्राट उनसे मिलने गए और सम्राट ने कहा, मेरा मन बहुत अस्थिर है, बहुत व्याकुल है, आप महान ऋषि हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा था, बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बोधिधर्मा ने कहा, आप कुछ नहीं करें, पहले आप अपने मन को मेरे पास ले आएं। सम्राट को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? बोधिधर्मा ने कहा, सुबह 4 बजे जब कोई नहीं होगा, अकेले आइए और याद रखें अपने मन को साथ लेकर आइए। सम्राट पूरी रात सो नहीं सके, कई बार उन्होंने पूरी योजना रद्द कर दी, ये आदमी पागल लगता है, वे क्या कहता है, अपने मन को साथ लाना, भूलना मत। पर उस आदमी का इतना आकर्षण था, इतनी करिश्माई थी कि वो अपने आप को रोक ना सके, जैसे एक चुंबक उन्होंने खींच रहा था। 4 बजे वह बिस्तर से उछल पड़े और बोले, जो कुछ भी हो मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ तो हो सकता है, उसकी आंखें कहती हैं कि उसके पास कुछ है, थोड़ा पागल लगता है लेकिन मुझे जाना ही होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो वो पहुंचे और बोधिधर्म अपनी गुफा में बैठे हुए थे अपनी छड़ी के साथ। उन्होंने कहा, तो तुम आ गए, तुम्हारा मन कहाँ है, क्या तुम उसे साथ लाए हो? सम्राट ने कहा, आप कैसी बातें करते हैं, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन भी यहाँ है और ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं भूल सकता हूँ, ये मेरे भीतर है, ये मेरे अंदर है। तो बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तय है कि मन तुम्हारे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, आप अपनी आंखें बंद करो और पता करो कि वह कहाँ है, और अगर तुम पता कर सकते हो कि वह कहाँ है तो तुरंत मुझे बताओ, मैं उसे शांत कर दूँ। तो सम्राट ने अपनी आंखें बंद करी, प्रयास किया, देखा और देखा कि ये कोई चीज़ नहीं है, और अगर ये कुछ नहीं है तो इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। आपकी एक्टिविटी, आपकी मूवमेंट मन को पैदा करती है, ये चलने की तरह है, रुक जाओ तो मन रुक जाता है। उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे बोधिधर्मा के सामने झुक गए और बोले मन कहीं नहीं मिला। बोधिधर्म ने कहा, तो मैंने उसे शांत कर दिया। और बोधिधर्म ने बोला, जब भी तुम महसूस करो कि तुम अस्थिर हो तो बस भीतर देखो कि वह अस्थिरता कहाँ है, सिर्फ देखने में मन की मृत्यु है, योग मन की मृत्यु है। शेयरिंग स्टोरीज, एनलाइटनिंग माइंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।